धन नहीं टिकता, आर्थिक परेशानियां लगी रहती हैं। इस चीज़ के लिए आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कुबेर देव के ऐसे 3 उपाय, जिसने भी कर लिया धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे और सुख समृद्धि भी हमेशा बनी रहेगी। वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय कुबेर देव ज़रूर लिखें, जिससे कुबेर देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर एक वीडियो की अपडेट समय पर मिलती रहे। शास्त्रों के अनुसार धन के देवता कुबेर देव माने जाते हैं। इन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी माना गया है। धन प्राप्ति के लिए या फिर धन लाभ के लिए आपने सुना होगा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बारे में, लेकिन हिंदू धर्म में जिस तरह से सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को पूजा जाता है, ठीक उसी तरह कुबेर देव को भी पूजा जाता है। यदि आप माता लक्ष्मी के साथ कुबेर देव की भी पूजा करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ मिलता है। माना ये जाता है कि जिस व्यक्ति पर कुबेर देव प्रसन्न हो जाते हैं, उस व्यक्ति को जीवन भर कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में जान लेते हैं धन के देवता कुबेर देव को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। सबसे पहले उत्तर पूर्व दिशा को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद वहाँ पर कुबेर देव की मूर्ति या फोटो लगाकर उस स्थान पर रखें। उसके बाद कुबेर देवता को स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना करें। दूसरा, भगवान कुबेर के सामने 10 मिनट कुबेर मुद्रा लगाकर बैठें, जिस तरह से आपको इस फोटो में दिखाया जा रहा है। तीसरा, जिस कुबेर मुद्रा में आप बैठे हैं उसी कुबेर मुद्रा में कुबेर गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इस मंत्र को नोट कर लें। यदि आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो अगर आप केवल कुबेर यंत्र की ही पूजा कर लेंगे तो भी काफ़ी होगा। मान्यता है कुबेर यंत्र की पूजा करने से धन के देवता कुबेर देव प्रसन्न होते हैं। सोने, चांदी या पंच लोहा, इन 3 धातुओं में से किसी एक में कुबेर यंत्र को अंकित करवा लें या फिर बाजार से कुबेर मंत्र ले आएं। इसके बाद इस यंत्र की रोजाना पूजा करें। कहते हैं ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही दुर्भाग्य भी दूर रहता है। तो ये थे कुबेर देव को प्रसन्न करने के उपाय। यदि आपको हमसे संपर्क करना है या हस्तरेखा या कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी तक पहुँच पाए।